इस कोरोना संक्रमण के बीच भूपेश सरकार कोरोना के रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन पर तेजी से कार्य कर रही है और लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है। वहीं पत्रकार, वकील, पीडीएस में काम करने वाले लोग एवं सफाई कर्मी, शिक्षक, मंदिर के पुजारी व कर्मचारी को फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए इस टीकाकरण के महाअभियान में विशेष प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार से निर्देश का पालन करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के डॉक्टर अविनाश सिंह के द्वारा आज शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला नूतन चौक में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के टीकाकरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस कोरोना रोधी टीकाकरण केंद्र में रतनपुर के वरिष्ठ पत्रकार अजय गुप्ता, ईश्वर सोनी सहित बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का कोरोना रोधी टीकाकरण किया गया। वहीं इस कोरोना रोधी टीका का पहला डोज लगवाने के बाद वरिष्ठ पत्रकार अजय गुप्ता ने कहा कि लोगों को इस टीकाकरण के महाअभियान में शामिल होकर टीका लगवाना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है, यह हमें कोरोना के प्रकोप से बचाएगा, साथ ही इस टीका को लगवाकर हम राष्ट्र हित में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस महामारी से खुद का बचाव ही राष्ट्र का बचाव है। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।